सीटीएम में काम कर रहे मजदूरों ने फैक्ट्री के बाहर चलाए पत्थर। वेतन न मिलने पर भड़के मजदूर राष्ट्रीय राजमार्ग के अवरुद्ध। मौके पर पहुंची कठुआ पुलिस की गाड़ियों को भी पूरी तरह से तोड़ा। पुलिस कई अधिकारी पहुंचे स्थिति को नियंत्रण करने में। आपका पेमेंट वाला मुताबा बकरी गाते मैनेजमेंट से हम बात कही नहीं आपसे तुरंत से। उमेश गुप्ता जी से हमारे सीधे बात बैठा। उमेश गुप्ता जी जो हम बात कहता नहीं वो बात का जी सर, हमारा नाम लाल बाबू कुमार बीन। सीटीएम में काम करते हो? जी सीटीएम में काम करते हैं साल भर से। तो आज क्या कारण हुआ जो आपने? सर ये तो हम नहीं बता सकते हैं, ये पूरा हंगामा हुआ है। इतना मैं जानता हूँ कि तनख्वाह दिया है सीटीएम 2,000 रुपया दिया, जो काम कर रहा है उसको भी, और जो नहीं काम कर रहा है उसको 150 का दहाड़ी दे रहा है और बोल रहा है कि नहीं मिलेगा। इसी के लिए हंगामा हुआ है। सैलरी देना चाहिए सर, ये बताइए। 2,000 में हम लोग का बीवी बच्चा माँ बाप सब है यहाँ पे, 10-10 साल 5-5 साल से 20-20 साल से काम कर रहे हैं। यहाँ आपको फुल तनख्वाह मिला है? फुल मिला है स्टाफ को? फुल तनख्वाह मिला, स्टाफ का फुल मिला है और वर्कर को कम मिला है। ये क्या सर चक्कर है? मेरा नाम दिलीप कुमार है, सीटीएम में काम करते जी। अब बताएंगे आज क्या कारण हुआ जो नारेबाजी? कारण ये हुआ है, स्टाफ वाले को सब पूरा तनख्वाह दिया गया है, हम लोगों को 2,000 तनख्वाह दिया। बीवी बच्चे शायद हम लोग उधर बाहर पड़े हुए हैं, ऊपर से हम लोगों को घर भी नहीं जाने दे रहे हैं, हमको यहाँ पे रोक के रखा है। आज मई के महीने में 2 तारीख से हमारा गेट खोला गया, ऊपर से बोल रहे हैं कि ड्यूटी करो उसी हिसाब से तनख्वाह मिलेगी, और पिछला हमने ड्यूटी किए थे उसका भी पूरा तनख्वाह हमको नहीं मिला गया। तो आइए हल्ला करने क्या जरूरत है? हल्ला करने की एक लगी है, स्टाफ वाले को पूरा तनख्वाह दिया गया, हम लोगों को 2,000 रुपये दिए गया, इस बात का हल्ला हुआ जी। अब स्टाफ किससे बात करें? स्टाफ साहब नहीं, स्टाफ किसी की बात सुन रहा है तो हम लोग हल्ला क्यों करेंगे? हल्की फुल्की चोटें आई हैं, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट और दुखदायी घटना है, ऐसी उम्मीद हमें थी नहीं। ये सारा अचानक हुआ, जब अंदर बिल्डअप हो रहा था उस समय पुलिस को जानकारी थोड़ी सी लेट अंदर से मिली। अंदरूनी मामला होता है, स्टाफ मैनेजमेंट बात कर रहा था, बट इस पूरी महामारी में आप देखें लोगों को काम नहीं है, घरों में बैठे हैं, साइकोलॉजिकल तौर पे भी बहुत लोग स्ट्रेस में हैं, तो ये गुस्सा कहीं ना कहीं फूटना था, तो आज का एक ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था जो हो गया। पुलिस का कुछ गाड़ी पूछना चाह रहा था? नहीं, बंद कोई नहीं है सच, डिटेन तो किए जाते हैं क्योंकि वायलेंस हुआ है, क्राइम हुआ है, देयर इज अ लीगल प्रोसीजर दैट हैज टू फॉलो, उसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। सर आप जो पेमेंट की बात कर रहे हैं कि आपको एडवांस दे दिया जाएगा, लेकिन जो आपकी फुल पेमेंट है उसके लिए लॉ हमको देखना पड़ेगा, वो आप किसको रेफर कर रहे हैं? देखिए कुछ याचिकाएं हैं जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हैं इस मजदूरों की समस्याओं को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट से बियॉन्ड तो यहाँ कोई नहीं है, ना मजदूर है, ना पुलिस है, ना सीटीएम है। जो भी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आएगी वो सबने फॉलो करनी है। हाँ ये हो सकता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट 2 बोले सीटीएम 4 दे सकती है, बट 2 का 1.5 नहीं कर सकती। अभी कैसा माहौल? अभी माहौल कितना चोट लगी है काफी ज्यादा उसके बाजू में, और कुछ मजदूर चले गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये थोड़े बहुत लोग हैं, अभी रोष को ठंडा होने में सब वक्त लगता है। लीगल कार्रवाई जो भी है उसका एक अपना तरीका होता है, हम बैठेंगे देखेंगे एक्चुअली मसला हुआ क्या है, पहले जो चोटिल है उनका इलाज कराया जाएगा, हम ख्याल रखेंगे। अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है? अभी सिचुएशन अंडर, क्योंकि सुबह यहाँ जिस तरह से दंगे बढ़ के लोकल्स वर वेरी स्केयर्ड, तो लोकल्स की सेफ्टी के लिए क्या मेजर सर? नहीं, लोकल कोई भी जख्मी नहीं है, ना ही लोकल को किसी को हमने नुकसान पहुँचने दिया है। पुलिस रिएक्शन वॉज प्रॉम्प्ट, इट वॉज एफिशिएंट, और हमने इसको यहीं लोकली कंटेन कर लिया है, इनको ज्यादा दूर तक हमने जाने नहीं दिया, तो लोकल निश्चित रहे, लेबर का प्रतिबद्ध है उनकी सबकी सुरक्षा के लिए। सर केंद्र का आदेश सब हो गया और काम ये मुक्त कर, ये सवाल आप